नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन निकोलम सल्फ्यूरिकम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको दिमाग से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन निकोलम सल्फ्यूरिकम, सल्फेट ऑफ निकल के सिम्टम। निकोलम सल्फ्यूरिकम औषधि स्त्री के मासिक धर्म बंद होने के बाद होने वाले रोगों में बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा मलेरिया रोग से पैदा हुए रोजाना के होने वाले स्नायु के दर्द, पेशाब और लार का ज़्यादा मात्रा में आना, आँखों से कम दिखाई देना, भूख न लगना, सिर में दर्द होना, रोगों में यह औषधि काफ़ी प्रभावशाली साबित होती है। विभिन्न रोग लक्षणों में निकोलम सल्फ्यूरिकम औषधि से होने वाले लाभ, जैसे सिर से संबंधित लक्षण, रोजाना होने वाला सिर का दर्द, सिर के पीछे के हिस्से में दर्द जो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है तथा पीठ के बल लेटने से और भी तेज हो जाता है, आँखों में बहुत तेजी से होने वाली जलन, हर समय शरीर में थकावट सी महसूस होना, ऐसा लगना कि बस लेटे रहे, किसी भी काम को करने का मन न करना, आदि लक्षणों में अगर रोगी को निकोलम सल्फ्यूरिकम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। पीठ से संबंधित लक्षण, पीठ के अकड़ जाने के साथ बिल्कुल सुन्न हो जाना, जो गर्दन में ज़्यादा होता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत तेजी से होने वाला दर्द, सुबह उठने पर पैरों की तलवों में जलन के साथ नींद खुल जाती है, टांगों और बाहों के भारी होने के साथ कमजोरी आना आदि पीठ के रोगों के लक्षणों में रोगी को यदि निकोलम सल्फ्यूरिकम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ होता है। स्त्री रोग, स्त्री रोगों संबंधित लक्षण, स्त्री को डिंब की ग्रंथियों में हल्का हल्का सा दर्द होते ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ का मासिक धर्म आने वाला है, गर्म सी चौंध होने के बाद शरीर के उन भागों में पसीना जो आपस में दूसरे को छूते हैं और अलग करने पर रूखे हो जाते हैं, इस तरह के लक्षणों में अगर स्त्री को निकोलम सल्फ्यूरिकम औषधि दी जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होती है। मात्रा, डोजेज, किसी भी रोगी को उसके लक्षणों के अनुसार निकोलम सल्फ्यूरिकम औषधि की विचूर्ण देने से काफ़ी लाभ मिलता है। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।